हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका, और आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ वीज़ एंड आईएस की करंट अफेयर्स। ये आपकी जून मंथ की है और यहाँ पे मैं इथिक्स सेक्शन को कवर करूँगी। इससे पहले मैंने जितनी भी सेक्शन को कवर की है, मैं उन सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। आगे पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं अन अकेडमी में भी एज एन एजुकेटर वहाँ ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ विद द हेल्प ऑफ मैप। तो अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है विद द सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट मेथड से, तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो। अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके मुझे ऋषिका नाम के प्रोफाइल से फॉलो कर सकते हो, या तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से फॉलो कर लेना। यहाँ पे क्या है कि जो भी मैं टॉपिक को डील करती हूँ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। सो स्टार्ट करते हैं एथिक्स की फर्स्ट टॉपिक से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो आपकी जून मंथ में इस टॉपिक पे नरेंद्र मोदी जी भी ने अपना विचार रखा था। तो ये है आपका द प्रॉब्लम्स विथ एग्जामिनेशंस। ओके, सो इथिक्स के बारे में मैं बता दूं कि इथिक्स को अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इथिक्स जो है एक्सटेंसिवली कवर करनी होती है, और ये आपको कहीं भी नहीं दिखेगी, सिर्फ बुक्स में दिखेगी और उसके अलावा आपको वीज़ एंड आईएएस के करंट अफेयर्स में दिखेगी। और जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है मेन्स में, वो सिर्फ आपको करंट अफेयर्स से रिलेट करके ही मिलती है। तो आप इस सेक्शंस को तो बिल्कुल भी कवर करके ही चलो, इसको कभी भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपको सिर्फ वीज़ एंड आईएएस के करंट अफेयर्स में ये टॉपिक दिखेगी। ओके, सो ऐसा थीम क्यों रखा गया है पहले ये देखते कि द प्रॉब्लम विथ एग्जामिनेशंस। सो लाइफ इज़ फुल ऑफ एग्जामिनेशंस। ऑब्वियस है कि लाइफ जो है हमारा पूरी तरीके से एग्जामिनेशन में से फुल है, या तो ये इम्प्लिसिट देख लो या फिर एक्सप्लिसिट। ओके, इम्प्लिसिट कहने का मतलब कि या तो ये अपने आप चलता है, हम लोग जो है एग्जामिनेशंस जैसे अपने आप लाइफ में चल रहा है। हर एक डेली लाइफ में आप देखोगे कि आपके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है जिसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान हमारी अग्नि परीक्षा ले रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डे बाय डे अपनी एग्ज़ाम देते हैं। दूसरी है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स वो है कि जो हम लोग इंटेंशनली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या तो स्कूल मीडियम में जा रहे हैं, कॉलेज मीडियम में जा रहे हैं, या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का हम लोग पैटर्न के हिसाब से वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये दोनों तरीका अगर देखें तो लाइफ इज़ फुल ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, लेकिन कंसर्न का बात यहाँ है कि हम लोग जब स्टैंडर्ड एजुकेशन की बात करें या फिर कंडक्टेड अक्रॉस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट हो जाती है। हर साल आपको देखने को मिलेगा इंडिया में सीबीएसई और अदर एजुकेशनल बोर्ड जो होते हैं वो अपना रिज़ल्ट जो है रिलीज़ करते हैं स्टैंडर्ड 10 के लिए, स्टैंडर्ड 12 के लिए और कुछ और आगे भी। ओके, तो जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है एडमिशन के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपका जब भी जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो ये भी इंक्लूड होता है आपके एग्जामिनेशन में। तो ये सारी जो एग्ज़ाम है वो डिटरमाइन करती है आपके लाइफ प्रोस्पेक्ट्स को। मीन्स जितने भी पीपल हैं हमारे वर्ल्ड में, उनकी लाइफ कैसी होने वाली है ये हमारा एग्ज़ाम डिटरमाइन करता है। और ये जो है आपका जो एग्ज़ाम लीक है, रिपोर्ट होता है, जैसे कोई एग्ज़ाम देने गए हम लोग, उसके बाद देने के बाद पता चलता है कि पेपर तो ऑलरेडी लीक्ड था। ओके, तो पेपर लीक्ड होना ये भी एक इंक्लूड होता है। और हर साल हम लोग देखते हैं कि इसमें डिबेट होता है, डिस्कशन होता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम को पूरी तरीके से हम लोग एक ऐसे प्रिपेयर करके चले कि उसका पेपर पहले से लीक ना हो। क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं। हम लोग इतने मेहनत करते हैं, इतनी सालों तक मेहनत करते हैं, और जब वो पेपर दे के आते हैं तो बाद में हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि ये पेपर तो ऑलरेडी लीक था और पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। तो उस समय जो दुख होता है, बच्चे का जो मोटिवेशन होता है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। ओके, अब है कि ये स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का पर्पज़ क्या होता है। तो इसका पर्पस होता है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है या लर्नर है तो वो मिनिमम लेवल जो है नॉलेज का एक्वायर करता है। ओके, स्किल का एक्वायर करता है जो कि उसको पास करने के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग को टेंथ पास करना है तो हम लोग बस टेंथ के लेवल में जो भी सिलेबस होता है उतने ही ना पढ़ते हैं। अगर आज के डेट में हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जितना ज़रूरत है सिलेबस के हिसाब से उतने ही पढ़ते हैं, यानी हम लोग मिनिमम लेवल जो नॉलेज का है वो एक्वायर्ड करते हैं। एग्ज़ाम का यही पर्पस है। दूसरा है कि जो स्टूडेंट और लर्नर है वो एज लेवल ऑफ द नॉलेज, स्किल या नॉलेज के लेवल के अकॉर्डिंग वो एक्वायर्ड करते हैं। जैसे बिगनर्स हो गए, एक्सपर्ट हो गए, तो इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बिगनर्स क्या होती है कि आप कोई भी फील्ड में अगर स्टार्ट करते हो, जैसे कोई भी एग्ज़ाम के स्टार्ट करते हो, तो आप बिगनर्स हो गए। ओके, आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको बिल्कुल ए से स्टार्ट करना है और जेड तक पहुंचना है। एक्सपर्ट उसको कहते हैं जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो गया, यानी वो ए टू जेड तक सारी चीज़ों को कंप्लीट करके चला है और उसको अच्छी खासी नॉलेज है हर एक टॉपिक के बारे में। ओके, तो ये आपका हो गया। तीसरा है कि ये कंपेयर किया जाता है हर एक साल के परफॉर्मेंस
का जो भी स्टूडेंट हर एक साल एग्ज़ाम देते हैं तो उनके परफॉर्मेंस को जो है कंपेयर किया जाता है, और इसे अंडरस्टैंड किया जाता है कि क्या एजुकेशन पॉलिसी का इफ़ेक्टिवनेस है, ओके, और इंस्टीट्यूट में या फिर कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग कितना क्वालिटी दिया जा रहा है बच्चों को। तो ये सारी आपकी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की पर्पस है। अब देखते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का। तो पहले पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव है कि यूनिफॉर्म फॉर ऑल मीन्स जो आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड है, एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड अगर आपको देखने को मिलता है तो वो सबके लिए इक्वल है। जैसे अगर हम लोग 10th के एग्ज़ाम देते हैं तो वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी फैमिली के बच्चे हो, मिडिल क्लास हो या फिर रिच क्लास फैमिली के बच्चे हो, सबके लिए वो पेपर एक समान होता है, ओके। दूसरा है कि सब्जेक्टिव होता है कि अंडरस्टैंड कर सके कि टेस्ट, और सब्जेक्टिवली भी और ऑब्जेक्टिवली भी हम लोग बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं। तीसरा है कि ये इस्टेब्लिश करता है क्रेडिबिलिटी, जो कि स्टैंडर्ड आपका जो स्टैंडर्ड है क्रेडिबिलिटी का उसको इस्टेब्लिश करता है, ओके। अब नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं और कुछ लिमिटेशन। तो नेगेटिव में क्या है कि ये जो इंट्रेंस टेस्ट होते हैं, ओके, वो आपको डिफरेंस जो कैंडिडेट में डिफरेंस है ना वो एक वो पैदा कर देते हैं। इससे क्या होता है ना कि जो इंट्रेंस टेस्ट दिया जाता है किसी भी एग्ज़ाम का, तो बच्चों में क्या होता है कि जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उसको गुड स्टूडेंट में के कैंडिडेट गुड स्टूडेंट के लेवल में आपका कैटेगरी में काउंट डाउन हो जाता है, लेकिन जो बच्चे आपका पास नहीं कर पाते वो एग्ज़ाम, तो वो कहीं ना कहीं फेल्योर में उनका नेम काउंट हो जाता है, ओके। तो ये कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस पैदा कर देता है। दूसरा है कि ये लिमिटेड टाइम में ही होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो इवेल्यूएट करने का जो क्रूड मेजर्स है जिसमें कि घंटे लग जाते हैं आपका पेपर को चेक करने के लिए, तो उसके कारण भी बहुत डिफरेंस आता है। और ये क्या करता है कि कैंडिडेट के ऊपर जो है बहुत प्रेशर डालती है। एग्जामिनेशन के कारण क्या होता है कि कुछ बच्चों को एग्ज़ाम फोबिया होता है तो वो काफ़ी प्रेशर में रहते हैं, और इससे क्या होता है कि ये मेजर्स नहीं कर पाती है बहुत सारे टैलेंट को, ओके। जो बच्चे होते हैं जो लर्नर प्रोसेस में होते हैं तो उनके जो भी टैलेंट होते हैं ना, ये एग्जामिनेशन एक्चुअली नहीं आपका वो टैलेंट को निकाल के लाता है। आप बहुत बार देखे होंगे कि कोई कोई बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं लेकिन एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो इंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। और कुछ जो बच्चे जो एवरेज लेवल के होते हैं वो एग्ज़ाम कोई भी इंट्रेंस देते हैं ना तो उनका अच्छा मार्क्स आ जाता है। तो ये भी देखा जाता है कि जो बच्चे की असली जो टैलेंट है ना वो यहाँ पर नहीं निकल के आती है, एग्ज़ाम देने से नहीं निकल के आती है, ओके। ऐसा यहाँ पे नेगेटिव आस्पेक्ट दिखाया है। अब देखते हैं कि इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका पुअर परफॉर्मेंस होता है, या फिर एंगजाइटी के कारण पुअर परफॉर्मेंस होता है, या फिर किसी और कारण, ओके। एक स्टूडेंट है जो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने साल भर बहुत रगड़ के पढ़ाई की और वो काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन उनको एग्ज़ाम फोबिया है और एंगजाइटी प्रॉब्लम है। जैसे एग्ज़ाम से जाने से पहले वो बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वसनेस के कारण भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी भूल जाते हैं, ओके। तो इसके कारण क्या होता है कि उनका परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, ओके। ऐसा भी होता है, ये कॉन्सिक्वेंसेस है एग्ज़ाम का आपका। इससे इस टेस्ट से क्या होता है कि एलिमिनेशन आपको देखने को मिलता है और सिलेक्शन, ये दो प्रोसेस है। अगर आपने हर एक चीज़ पे काबू पा ली, अपने एंगजाइटी पे, अपने नर्वसनेस पे, अपने जो भी फोबिया है उस पे अगर काबू पा लिया और आपको अपने ऊपर फेथ है तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल के ले जाओगे, ओके। तो ये सिलेक्शन हो गया। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के कारण अगर आप वो एग्ज़ाम नहीं निकालते हो तो वहाँ आपका एलिमिनेशन हो जाता है, ओके। और ऐसा माना जाता है कि ये जो एग्ज़ाम है ना ये अपने लाइफ से बहुत बड़ा होता है। हम लोग कहीं ना कहीं जो लाइफ का इंपॉर्टेंस है ना उसको कम कर देते हैं और एग्ज़ाम का जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं। आप देखते होंगे कि जब हम लोग 10th में थे, 12th में थे, तो उस समय हम लोग को कितना प्रेशर किया जाता था कि बोर्ड एग्ज़ाम है, अच्छे से देना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो बहुत सारी प्रेशर होती थी। उस समय हम लोग जो रियल जीना होता है ना, लाइफ को इंजॉय करना, वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और एग्ज़ाम के प्रेशर को हम लोग पहाड़ बना लेते हैं। वो आज के भी डेट में है, अगर आप लोग में से कोई तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्ज़ाम को प्रेशर में मत लो। एग्ज़ाम इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, ओके। इसको लाइफ से ऊपर नहीं रखना है, इसको एग्ज़ाम जो है लाइफ का पार्ट बनाना है। आपको लाइफ के हर एक पहलू को इंजॉय करते हुए एग्ज़ाम को भी इंजॉय ही करना है। अगर आप एग्ज़ाम को इंजॉय करोगे तो ही आपका रिजल्ट बनेगा। अगर आप इसको टेंशन ले लोगे, प्रेशर में ले लोगे, तो ये तो कभी क्लियर नहीं होगा, ओके। उसके बाद है कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ जो है वो मेजर्ड की जाती है आपकी यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का। जैसे पीस ऑफ पेपर है उसमें लिख दिया जाता है, जैसे हम लोग को डिग्री मिल जाती है जब हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, या फिर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग को डिग्री मिल जाती है। इट मीन्स कि एक पीस ऑफ पेपर में ना डिफाइंड हो जाता है कि हमारा करियर क्या है, ये यहाँ बताया जा रहा है, ओके।
और जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो भीड़ है उसको बढ़ा रहा है, जो कंपटीशन का लेवल है उसको राइज कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये ऑप्शन बहुत ही सही है, मुझे ये बहुत सही लगता है कि एक काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सालों तक पढ़ते पढ़ते बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ओके, तो वो डिप्रेशन से उभारने के लिए और जो मेंटल टर्मोइल होती है ना बच्चों का, ये जो कैरियर प्रेशर होता है, उन सब से उभारने के लिए एक काउंसलिंग सेंटर भी होनी चाहिए। इतनी सारी सेंटर है, इतने सारे आपको मेडिकल सेंटर्स दिखेंगे, लेकिन एक भी काउंसलिंग सेंटर्स नहीं दिखता। तो हम जैसे स्टूडेंट के लिए भी तो एक काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, जिससे जो ये एग्ज़ाम प्रेशर आज के डेट में है वो ना हो पाए। फिर अब इन सारे से ऊपर बढ़ के अगर निकले तो कुछ सोसाइटल परसेप्शंस जो ह्यूमन बीइंग का है उसमें भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में क्या है कि लोग जो है, पेरेंट्स जो है, वो सोसाइटी के प्रेशर में आके अपने बच्चों को प्रेशर करते हैं कि सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे कि इनका बेटा क्या कर रहा है, इनकी बेटी क्या कर रही है। तो सोसाइटी को देख के ना आजकल पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे तो क्या बनेंगे, हमारे बच्चे बड़े होंगे तो कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ओके, तो ये सोसाइटी में रुतबा बन जाता है कि बोलने में अच्छा लगता है कि बच्चे मेरे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे मेरे आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी बातें हैं, तो सोसाइटल जो है ना, थाट्स जो है ना, उनको चेंज करने की ज़रूरत है। अब कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन है जिसका कहीं कोई जवाब ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपको भी बहुत रेलिवेंट लगेंगे, सुन लीजिए। डू दिस एग्जामिनेशन वर्थ द लाइफ दे टेक अवे, क्या ये जो एग्जामिनेशन है हमारा, जो आज के डेट में जो लाइफ का जो कीमती समय लेके जा रहा है, ये कभी वापस आ पाएगा? दूसरा है, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ वन मार्क्स, वन सेकेंड एंड वन रन। ओके, ये वन मार्क्स, जिससे एक मार्क्स से देखते हो ना कि हमारा प्रीलिम्स छूट गया, एक सेकेंड से हमारा एक क्वेश्चन छूट गया, और एक रन से क्या हो गया, विन और लॉस हो जाते हैं। तो इसका क्या वर्थ क्या है, ये कितना वर्थी है? डू दिस वायलेंट ह्यूमन राइट्स बाई इम्पिंगिंग अपॉन ह्यूमन डिग्निटी, क्या ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, ह्यूमन राइट्स को आपका हनन कर रहा है बाई जो आपका ह्यूमन डिग्निटी है उसको कहीं ना कहीं ये सप्रेस कर रहा है? या फिर कांट पीपल बी वाइजर विदाउट फॉर्मल एजुकेशन, या फिर फॉर्मल एजुकेशन के बिना लोग बुद्धिमान नहीं हो सकते? हमारी दादी नानी तो ज़्यादा दूर तक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो कितने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके पास कितना तरह का नॉलेज होता है। ओके, उनके पास जो नॉलेज होती है वो आज हमारे पास नहीं हो सकती है, हमारे आगे आने वाले जनरेशन के पास नहीं हो सकती है। इस बात से आप लोग भी अग्री होंगे। ओके, तो वो लोग तो एजुकेशन, उनको लोग बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं लिए थे, तो क्या वो लोग वाइजर नहीं थे? तो फिर बता रहा है कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, इस एजुकेशन पॉलिसी के लिमिट क्या होना चाहिए? डज़ इट कैप्चर डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट, क्या ये इतने टैलेंट्स का डाइवर्सिटी है इसको कैप्चर कर सकता है? नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन है वो कंसर्न करता है हमारा फॉर्मल नॉलेज। ओके, जो एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, तो उससे क्या पता चलता है कि हमें कितना नॉलेज है, लेकिन जो लाइफ एग्ज़ाम होता है ना वो हमारे कैरेक्टर को कंसर्न करता है, ऑब्वियस। तो नॉलेज जो विदाउट कैरेक्टर है वो एक पाप की तरह है। गांधी जी ने कहा था कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज़ डीम्ड एज अ सीन, तो एक पाप की तरह है कि आपको कैरेक्टर के बिना ही नॉलेज है। तो कैरेक्टर बहुत आपको ज़रूरत है एक लाइफ जीने के लिए, लाइफ को अच्छे तरीके से आपको जी सर्वाइव करने के लिए एक बेटर कैरेक्टर होने की बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरत है। ओके, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन से। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हर चीज़ को भूल भाल के एग्जामिनेशन को सर पे लेके बैठ जाते हैं। डोंट डू दिस, इससे कभी किसी का एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है। बहुत 1-2% होंगे ना जो खुद को रूम में पैक्ड कर लेते हैं तब उनका कुछ एग्ज़ाम क्लियर होता है, वैसा नहीं है। आपको हर एक फील्ड में अच्छा होना चाहिए, आपको हर एक फील्ड में अपने आप को 100% देना चाहिए। ओके, और ये आपका लाइफ एग्जामिनेशन है, इसको आप अगर एग्जामिनेशन को ना लाइफ एग्जामिनेशन में इंक्लूड करोगे ना तो आप इसमें भी परफेक्ट होके निकलोगे। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो ये होता है मशीन कम्युनिकेशन। जब एक मशीन दूसरे मशीन से बात करने लगते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस के हिसाब से देखें तो इसमें जो इंटेलिजेंस मशीन का क्रिएशन होता है, जैसा कि वो वर्क करते हैं और रिएक्ट करते हैं बिल्कुल एज इट इज़ ह्यूमन बींग्स के जैसे, तो उनको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब जीता जागता रोबोट, बस वो रोबोट है, वो फिजिकली रोबोट रोबोट है, लेकिन उसके अंदर माइंड जो है वो ह्यूमंस का है, वो उसी तरह हमारे तरीके से वो बात करते हैं, हमारे तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, बस वो मशीन होते हैं। ओके, इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आई होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज की डेट में फोकस्ड किया जा रहा है बहुत सारे इंटेलिजेंस कॉम्पोनेंट के, जिसमें आपका इंक्लूड होगा रीजनिंग,
लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन एंड लैंग्वेज यूजिंग। ओके, तो जो ये सिस्टम है जो यूज़ करता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा ऑटोनोमस हो रहा है आज की डेट में। और इसमें जो भी आपका परफॉर्म किया जा रहा है फंक्शंस और जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है हमारे वर्ल्ड में, वो बहुत ज़्यादा डे बाई डे बढ़ते ही जा रहा है। ओके, तो एक आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया में एक सोफिया नाम की रोबोट उन्होंने लॉन्च किया, और उस रोबोट को उन्होंने सिटीजनशिप्स भी प्रोवाइड किया है। ओके, तो वो जो रोबोट है वो आपका जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे ना, वो उसका क्विक जवाब देती है, जैसे हम लोग कैसे करते हैं ह्यूमन बींग्स, वैसे ही वो आपके सवाल का जवाब देगी, वो आपका रिएक्ट करेगी। ओके, तो आप देखते हैं कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इथिकल इशू क्या है, इथिकल इशू समझने का कोशिश कीजिए। हम लोग बहुत एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी हम लोग अपने आप में भी सोच चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वो सब हटा के अब एथिकल इशूज़ भी सोचना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो एथिकल इशूज़ क्या होता है? एथिकल मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ का सही या गलत होना आपके अकॉर्डिंग क्या है, एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही है या गलत है। ओके, इसी को एथिकल इशू कहते हैं। तो इसमें इश्यूज़ क्या क्या है? पहला है कि ट्रांसपेरेंसी, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होगा आपका कॉग्निटिव वर्क में, जो सोशल डायमेंशन के वर्क में अगर इंक्लूड होगा, तो उसमें कैसा कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर अनेबल हो जाए डिसीजन लेने में, जैसे कार अगर ड्राइव कर रहे हैं, जैसे तो कार ड्राइव करने में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दे तो वो आपका ड्राइवरलेस कार हो जाएगा और वो कार आपका ऑटोमेटिक ड्राइव हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब फंक्शन काम करना बंद हो गया, एल्गोरिथम वहीं तक स्टॉप हो गया, तो वो कार एक्सीडेंट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तो आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। तो क्या है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एल्गोरिथम होता है उसको डेवलप्ड करे ट्रांसपेरेंट मैनर पे। ओके, एल्गोरिथम क्या होती है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे हम लोग अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आपका प्रोसेस है ना कि पहले आपको प्रीलिम्स देनी है, फिर मेंस देनी है, फिर आपको इंटरव्यू देनी है, तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में भी ना हम लोग जो प्रोसेस करते हैं 1 2 3 4 5, इसको हम लोग अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो वो आपका एल्गोरिथम होती है। ओके, दूसरा है कि बायस्डनेस। जो एल्गोरिथम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो बहुत ही डिस्क्रीट होती है, अगर बहुत सारे केसेस में देखें तो वो सीक्रेट होती है। कोई भी आज की डेट में कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रही है वो अपनी एल्गोरिथम को ना कभी लिख ही नहीं करती है, वो इतना सीक्रेट रखती है कि वो कोई भी और कंपनी उसको हैक ना कर सके, इसलिए इसको सीक्रेट रखा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका बायसनेस का भी काम कर रहा है। तीसरा है कि प्रिडिक्टेबिलिटी। ओके, जो एल्गोरिथम हमारा देखा जा रहा है, लिया जा रहा है सोशल फंक्शन के लिए, जैसे कि प्रिडिक्टेबल टू दोज गवर्न, जो कि गवर्न किया जा रहा है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए, जैसे आपका हो गया लोकल स्पेसिफिक बिहेवियर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, सेफ्टी के पर्पज़ से अगर देखें तो ये सारे जो प्रोग्राम इंक्लूड हो रहे हैं तो उनमें प्रिडिक्ट किया जा रहा है पहले से ही कि ये इस स्टेप में सोशल वर्क में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना देर तक काम कर सकता है। ओके, अकाउंटेबिलिटी मीन्स अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जो सिस्टम है अगर वो फेल हो जाता है अपना टास्क को पूरा करने के लिए, तो हु शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ओके, क्योंकि देखो ह्यूमन बींग में क्या होता है कि हम लोग जिस पोस्ट में है अगर हम लोग अपना काम नहीं कर रहे तो हमें उस पोस्ट से हटा दिया जाता है। ओके, हमें कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर हमें प्रमोशन नहीं मिलती, ये दो चीज़ होती है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जगह पे एक काम को पूरी तरीके से नहीं करे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा और उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? ओके, तो ये अकाउंटेबिलिटी भी इशू है। उसके बाद है सेफ्टी इशू। जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन है वो अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके किसी भी स्पेसिफिक डोमेन में वो डिज़ाइन किया जाता है। ओके, तो वो मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई सिचुएशन में वो काम ही नहीं कर सके। तो इसमें अगर सेफ्टी इशू की बात करें तो यहाँ तो सेफ्टी इशू का बात नहीं है। जैसे अभी मैं बताई कि ड्राइवरलेस कार जो आने वाली है, तो अगर ड्राइवरलेस कार में जहाँ तक एल्गोरिथम फिट होगी उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो वहीं तक काम करेगी ना, अगर वो स्टॉप हो जाएगी तो कार तो एक्सीडेंट हो जाएगी, तो फिर ह्यूमन बींग का सेफ्टी का पर्पस कौन लेगा? सेफ्टी की पर्पस कहाँ है? ओके, नेक्स्ट है आपका मैन्युअबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल एल्गोरिथम है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एल्गोरिथम है वो मैनिपुलेट किया जाता है मूवमेंट पीपल्स के द्वारा जो चाहते हैं इसका एडवांटेज लेना। जैसे क्रिमिनल्स हैं वो चाहते हैं कि गन को वो कैरी कर सके एरोप्लेन में, तो वो ऐसा कर सकते हैं। क्या करेंगे कि मशीन में कुछ लूप होल कर देंगे। ओके,
तो लूप होल करने से क्या होगा कि मशीन में ये अनेबल हो जाएगा कि हाँ हम लोग एयरपोर्ट में एरोप्लेन में जाएंगे तो गन लेके जाएंगे। ओके, ऐसे तो गन परमिशन नहीं है हम लोग को ले जाना, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हमें चेक किया तो हम ऐसा क्या करेंगे कि मुझे जैसे पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर मैं एल्गोरिथम में यहाँ कुछ चेंजेस कर दूँ तो इस पॉइंट पर मुझे गन ले जाना अनेबल हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अगर आपको ये पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम कैसे सेट होता है, और आप अगर चाहो कि आप टेररिस्ट हो, आप कुछ आतंक मचाना चाहते हो और आप गन लेके जाना चाहते हो एरोप्लेन में, तो आप क्या करोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जहाँ भी एल्गोरिथम में चेंज करना होगा आप उस मशीन में तो लूप होल कर सकते हो ना, क्योंकि ये सारा तो आपका डिजिटल ऑर्गेनाइज होता है। तो उसको आप लूप होल कुछ कर सके, कुछ सिस्टम में आप गलत करके क्या होगा कि आप वो गन ले जाओगे। आपके जैसे पता नहीं कितने लोग गन ले जाना चाहते होंगे या कौन कौन सी हथियार ले जाना चाहते होंगे, तो वो सारी हथियार भी ले जा सकते हैं। तो ये क्या होता है ना कि मैन्युबिलिटी मीन्स होता है मैनुपुलेट करना। आप अगर कुछ और करना चाहते हो लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं आप मेरे अकॉर्डिंग काम करो और मैं आपको हिप्नोटाइज करके मैनुपुलेट कर दूँ, तो वो मैनुपुलेट करने को कहते हैं फंक्शन को मैन्युबिलिटी। ओके, फिर नेक्स्ट इशू आपका हो गया मोरल स्टेटस। अभी अगर इस स्टेज में देखूं, जहाँ तक कि मैं अभी बता रही हूँ, ये नवंबर आपका 2018 चल रहा है, तो अब तक जो है आर्टिफिशियल सिस्टम को कोई भी मोरल स्टेटस नहीं दिया गया है। ओके, ना ही उनको कोई कॉपीड किया गया है, ना ही डिलीट किया गया है, ना ही चेंज्ड किया गया है, और ना ही उनके प्रोग्राम में टर्मिनेट किया गया है। ओके, तो इन सारी चीज़ें अभी तक नहीं की गई है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि फ्यूचर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम को देखे तो यहाँ पे कुछ आपका कॉन्शियसनेस की भी लैक दिखेगी, और ये आपका जो भी काम करेगा वो शायद अच्छे से ना कर पाए, अपना ड्यूटी जो है पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। नेक्स्ट है आपका सुपर इंटेलिजेंस। एक सफिशियंट इंटेलिजेंस जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम है वो रीडिज़ाइन करके खुद को और एक बेटर सक्सेसर बना सकता है सिस्टम। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो आपका इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन है वो भी होने की चांसेस है। मींस आज के डेट में क्या है, कंपटीशन ही है ना बॉस। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी से क्या करे, सिर्फ कंपटीशन कर रही है, और एक कंपनी चाहती है कि मैं बेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के लाऊं या फिर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाऊं, तो ये लोग क्या करें ना, कॉम्पिटिशन के हिसाब से उस मशीन में, उस रोबोट में ना ज़्यादा इंटेलिजेंसी भर रहे, मीन्स ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना एल्गोरिथम के रूप में उसमें आपका डाला जा रहा है एक रोबोट के अंदर। तो उसमें क्या होगा कि आपका इंटेलिजेंसी जो है ना वो ओवरलोड हो जाएगी, और एक समय के बाद क्या होगा कि वो एक्सप्लोड हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है भाई, वो तो मशीन ही है ना, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर जितना भी आप इंफॉर्मेशन डालो वो एक स्टोरेज कैपेसिटी स्टोर कर रही है, लेकिन मशीन का तो डेटा कभी ना कभी तो फुल होगा ही ना। ओके, तो वो फुल होगा तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोड हो जाएगा, आपका इंटेलिजेंस एक्सप्लोड हो जाएगी। ओके, अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि करेंट जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो एक फ्यू इथिकल इशू को ही ऑफर कर रहा है, सारे इथिकल इशू नहीं। हम लोग ने अभी जितने को डिस्कस किया उसमें से तो सारा आपका नहीं फुलफिल कर पा रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ ही जो ऐसे फ्यू जो आपके हैं उसी को ही ऑफर कर पा रहा है। ओके, जो फ्रेंच स्ट्रैटेजी है अडॉप्ट करने का कि जिसमें कि ट्रांसपेरेंट एल्गोरिथम जो डेवलप किया जाए, तो वो भी टेस्ट होना चाहिए पहली, उसके बाद वेरीफाइड हो, फिर उसके बाद एथिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम लोग डिटरमाइन कर सके, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क करने में आसान हो। ओके, फिर रिजोल्यूशन भी लेना चाहिए कि रेगुलेट कर सके रोबोटिक्स हो, और कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट्स भी उसमें लगाया जाए। मैं पहले वाले लेक्चर में सितंबर मंथ का जो एथिक्स था उसमें कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत अच्छे से समझाई हूँ, अगर आपको कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट नहीं पता तो आप वो लेसन देख लो। ओके, फिर है फोर एथिकल प्रिंसिपल्स जो है वो रोबोटिक इंजीनियरिंग में तो होनी चाहिए। आप लोग ने सुना होगा रोबोटिक्स इंजीनियरिंग बहुत चला था 2 साल पहले, अब तो थोड़ा क्रेज़ कम हो गया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको दबा दिया, लेकिन ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था आपका रोबोटिक्स से ही। ओके, रोबोटिक्स से ही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकल गया है, तो इसमें आपको फोर एथिकल जो प्रिंसिपल है उसको तो फॉलोड करना बेसिक है। पहला है बेनिफिशियंस, मीन्स रोबोट जो है ना एक बेस्ट इंटरेस्ट ह्यूमन के इंटरेस्ट के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है कि नॉन मैलिफियंस, मीन्स रोबोट को जो है ना ह्यूमंस को हार्म नहीं करना चाहिए। फिर है ऑटोनोमी, मीन्स ह्यूमन इंट्रैक्शंस जो होता है ना रोबोट के साथ वो वॉलेंट्री रहे। फिर जस्टिस, मीन्स जो बेनिफिट है रोबोट का ना वो सिर्फ आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली हो, मीन्स किसी
इसमें जो है ना आपका पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। जस्टिस मीन्स कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है ना वो हर किसी के लिए यूनिफॉर्म हो, इसमें आपको डिवाइड नहीं हो कि रिच पर्सन के लिए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पुअर पर्सन के लिए नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी फोर जो है ना एथिकल प्रिंसिपल है जो कि फॉलोड होना चाहिए रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के लिए। ये आपका जो फोर पॉइंट है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी कुछ भी नहीं आ रहा है ना एथिक्स के पेपर में, तो अगर आपको एथिकल प्रिंसिपल लिखना है ना तो ये आप चार पॉइंट लिख के किसी भी टॉपिक को डील कर सकते हो। ओके, मैं ये फंडामेंटल बात बता रही हूँ कि आप इस टॉपिक को रट लो, क्योंकि ये फोर एथिकल जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर एथिक्स के क्वेश्चन में, हर नहीं तो मोस्ट ऑफ द एथिक्स के क्वेश्चन में ना आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। ओके, लास्टली कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको लीगली बनाना चाहिए, जिससे कि जो भी एक्शंस होता है और प्रोग्राम का जो भी आपका एक्शन रिएक्शन है तो उस पर आपका लीगल होना चाहिए, और ये यूज़र अकाउंटेबल होना चाहिए, और ये जो है आपके किसी भी इनोवेशन को हैम्पर ना करे, और एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भी गोल हम लोग लेके चल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए वो फुलफ़िल हो सके। ओके, सो गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। और इथिक्स, देखिए इथिक्स पढ़ने के लिए ना आपको बहुत ही इंटरेस्ट लाने की ज़रूरत है। इथिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको बोरिंग मत बनाइए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ना आप रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हो और उसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो, जो GS4 की पेपर है। तो इथिक्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, मैं बताऊँगी। और अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू।